अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ यमी से चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। तो इस चॉकलेट केक की रेसिपी के लिए हमें चाहिए 4 अंडे। अब हम इन अंडों को अच्छे से बीट करेंगे। थोड़ा सा बीट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप शुगर, और शुगर को हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि अंडों में लम्स ना बने। और हमने इसको तब तक बीट करना है जब तक इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी और फ्लफी ना हो जाए। अब ये टेक्सचर क्रीमी और फ्लफी हो गया है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल 1/2 कप। ऑयल को भी हम थोड़ा सा बीट करेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पस फ्लोर 1/2 कप, कोको पाउडर ऐड करेंगे 1/4 कप, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे ताकि जो लम्स हैं वो निकल जाएं। मिक्स करने के लिए आपने स्पैचुला को एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है ताकि बैटर में लम्स ना बने। ऑल पर्पस फ्लोर को 2 पोर्शन में डिवाइड करके बैटर में ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप मिल्क, और डायरेक्शन आपने वही रखनी है ताकि हमारा बैटर अच्छा बने और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन शेप में हो। कंसिस्टेंसी बैटर की एकदम ज़बरदस्त बन चुकी है। अब हम इसको पैन में डालते हैं। उसके लिए मैंने पैन को पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें केक का बैटर ऐड कर देंगे। ओवन को प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री पर और 35 to 40 मिनट्स के लिए अपर एंड लोअर रॉड चलाकर इसको बेक करेंगे। और इतने टाइम के बाद आपका चॉकलेट यमी चॉकलेट केक रेडी हो जाएगा, जिसे आप ईद पार्टीज़ पे बना सकते हैं, स्पेशल ओकेजन्स पे बना सकते हैं। ये बहुत ही यमी और क्रीमी बनता है। इसको और अच्छा बनाने के लिए अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चॉकलेट सिरप। अगर आप इस चॉकलेट सिरप की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी चॉकलेट केक की ये यमी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चॉकलेट केक को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।